जय हिंद टू यू ऑल गाइस, माय नेम इज विक्रम एंड आई वेलकम टू एसएससीबी। जैसा कि आपको पता है, 20 इंपॉर्टेंट जो वन लेने की सीरीज है वो चल रही है, और आज हमारा पॉलिटिक्स का पार्ट थर्ड। सो गाइस, ऐसे ही मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए क्वेश्चन लाता रहता हूँ। इससे होता यह है कि यहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसके आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को वन लाइनर के तौर पर पढ़ोगे तो आपको लर्न करना ईजी रहेगा। सो गाइज, हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। सो गाइज, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच केस डिटरमाइन दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस के द्वारा ये डिटरमाइन करा गया था, ये बताया, ये बना, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अब जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, वो भारतीय संविधान का भाग है। इससे पहले पता नहीं था लोगों को कि ये संविधान का भाग है, क्योंकि एक तरीके से इसको प्रीफेस मानते थे। जैसे कि आप बुक खोलते हो तो पहला पन्ना इसमें लिखा होता है, इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, तो वैसे ही एक तरीके से उसका भाग मानते थे। तो यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसको भारतीय संविधान का भाग माना है। इससे पहले भाग नहीं मानते थे। दूसरा है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ द डीपी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट्स के उद्धार के लिए, विकास के लिए भारतीय संविधान में कौन सा भाग बताया गया है। तो वो हो गया आपका डीपीएसपी, जैसे हम बोलते हैं भाग 4, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, किसी भी राज्य को किस प्रकार से चलना चाहिए लोगों के लिए, वो यहाँ पे बताया गया है। तीसरा है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, तो ये सबको पता है, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ये पता है किसी को कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, तो वहां पे आएगा आपका पीएम, एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रशासनिक सेनापति, ठीक है, ये तो हो गया सर्वोच्च सेनापति, वो हो गया प्रशासनिक सेनापति, तो वो होता है पीएम। चलिए आगे, व्हेन वाज ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट इनेक्टेड, तो ऑल इंडिया जो सर्विस है आपका, वो कब इनेक्ट हुआ था, 15 अक्टूबर 1957 में। एक तरीके से ये क्या होता है आपका, जहां पे 15 अक्टूबर 1951 में आपका क्या हुआ था, ये जो ऑल इंडिया, व्हाट इज ऑल इंडिया सर्विस, क्या होता है ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि आपने देखा है आईएएस, जैसे आपने देखा आईपीएस, जैसे कि आपने देखा आईएफएस, जैसे आपने देखा आईआरएस, ये सारी कौन सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन पे सर्विस है। जैसे कि आईपीएस है, अभी एसपी बनता है, एसएसपी बनता है, सारे आईपीएस होते हैं। जैसे कि डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये सारे कौन होते हैं, आईएएस होते हैं। तो ये जैसे कि आपका जो राजदूत बन के जाते हैं, एम्बेसडर बन के जाते हैं, वो सारे आईआरएस आईएफएस होते हैं। और जो जैसे आपके इनकम टैक्स कमिश्नर, ये आईआरएस होते हैं। जैसे कि आपके अरविंद केजरीवाल जी, वो आईआरएस थे। तो यहाँ पे आपने देखना, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ये आई थी 15 अक्टूबर 1951 को। चलिए अब आपको बताना है कि एक बार बजट अगर प्रेजेंट हो गया हमारे पार्लियामेंट में, उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जाता है एज अ मनी बिल। अब मनी बिल है तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जा नहीं सकता। तो यहाँ पे जो यूनियन बजट है उसको लोकसभा में कितने दिनों के अंदर में पास करना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बजट में बहुत सारे पैसे का विवरण होता है कि ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे, वो पैसा हम वहां लगाएंगे। तो ये 75 दिनों के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगला है, हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड, कितने सालों के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है, तो यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि भारत में वो कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए होता है। विच हैज बीन द मोस्ट अमेंडेड एंड ऑल्सो द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल फंडामेंटल राइट, आपने अभी ये बताना है कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट है, एक तरीके से वो सबसे, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो विवादित, कॉन्ट्रोवर्सियल होगा विवादित। तो ये हो गया आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया गया था। ये पहले किस में आता था, 19 में आता था और 31 में आता था आर्टिकल में। अब इसे वहां से हटाकर, ये पहले हमारा संवैधानिक अधिकार था, अभी हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है, लीगल राइट बन चुका है, जो कि आपको आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिलेगा। चलिए
व्हाट इज द करंट एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट का आखिरी अंतिम वर्ष कौन सा है? तो अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ पर है 65 वर्ष, और अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की स्टेट में तो वो होगी आपकी 62 वर्ष। चलिए अगला, विच रिट एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? तो कौन सी रिट, रिट आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत आती है, जब कभी भी किसी के मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो इंफीरियर कोर्ट यानी कि जो उच्च कोर्ट होती है वो पर्टिकुलरली रिट दायर करती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट इंफीरियर यानी कि उनके छोटे कोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे सिटियोररी, सिटियोररी एक रिट है जो एग्जामिन करती है कि मेरे जो निचली अदालत है क्या उसने फैसला सही दिया है या नहीं दिया है। अगला, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो भारत के संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल, अंडर कौन सा पार्ट में है ये? तो 4A में आता है, डीपीएसपी के बाद आता है, 51A में आता है, ठीक है। फोर पार्ट कौन सा है ये? 4A, और ये जो आर्टिकल है ये होगा 51A। तो इसके तहत आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, और ये हमने ईस्ट वाइल यूएसएसआर यानी कि उस समय यूएसएसआर था तो हमने इससे लिया था मौलिक कर्तव्य को, अब इसे रशिया कहते हैं। चलिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल इन इंडियन? तो यहाँ पे आपने देखना है कि आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज होम मिनिस्टर, भारत का गृह मंत्री। हमारी जो क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद क्या होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, पांच तरीके की आपको क्या देखने को मिल जाएंगी क्षेत्रीय परिषद। ये क्या करती है, आपस में पर्टिकुलरली जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपस सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये सारे स्टेट्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो होम मिनिस्टर के इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो होम मिनिस्टर कौन है अभी, अमित शाह है, जो कि नए कोऑपरेटिव कोऑपरेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री के भी क्या बने, एक तरीके से मंत्री बने। फ्रॉम विच फंड इज द पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस चार्ज? जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जजों की, तो ये किस फंड के द्वारा दी जाती है? भारत का कौन सा, भारत के दो टाइप के फंड होते हैं, कंटीजेंसी और कंसोलिडेटेड। तो यहां पे आएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस फंड के द्वारा ही इन सभी के, ये हो गए, और मान लीजिए सीजीआई की एक तरीके से, एक प्रेसिडेंट की एक तरीके से, जो भी पेंशन होती है, जो भी सैलरी होती है, वो सारे ज्यादातर चीजें यहीं से आती हैं, ठीक है। विच कमीशन वॉज फॉर्म इन 1983 में किस कमीशन में गठन किया गया था, ताकि वो सुझाव दे सके किस में, कि जो पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सबसे बड़े बड़ा कमीशन है, सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर है उसको डिमार्केट किया था, उसको बताया था कि आपकी ये पावर है। तो दैट इज 1983 में सरकार या कमीशन, कमिटी बोल लो कमीशन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अगला है, विच व्हाट मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप? तो किस उम्र में, कौन सी उम्र चाहिए होती है प्रेसिडेंटशिप, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो ये भारत में है 35 वर्ष आयु उसकी होनी चाहिए, ठीक है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के अभी वर्तमान में करंट चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है आपके NV रमन्ना। अभी NV रमन्ना 48th है, 47th कौन होंगे, जैसे शरद अरविंद बोबड़े, 46th कौन थे, तो ये थे आपके रंजन गोगोई, 45th कौन थे, तो ये हो गए आपके दीपक मिश्रा, 44th कौन थे, तो ये थे JS खेर थे, इसके बाद TS ठाकुर, और ऐसे आगे जाकर, ठीक है। इन विच ईयर डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम बोलते हैं RTI, जिसके तहत जो भी सरकारी कार्यालय हैं, जो भी सरकारी कार्यालय, उनको 30 दिनों के अंदर क्या देना होगा, जो मांगी गई जानकारी है, जिस भी व्यक्ति द्वारा जानकारी मांगी गई है उसे 30 दिनों के अंदर में उसे जानकारी देनी होगी। और हाँ, इसमें अब PMO को हटा दिया गया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हटा दिया गया है, क्योंकि लोग वहां से बहुत सारी गुप्त सूचनाएं भी मांग सकते हैं। तो RTI का जो एक्ट है 2005 में लागू किया गया था भारत में। चलिए अगला, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द यूनियन पार्लियामेंट? तो ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री भारत का जिसने कभी भी पार्लियामेंट यानी कि संसद को फेस नहीं किया, दैट इज चौधरी चरण सिंह। 1978 की बात है जब ये जीते थे कांग्रेस के समर्थन के बाद। अब जो जैसे ही ये पार्लियामेंट जाने वाले थे 10 दिनों के बाद में, तो वैसे ही इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो इन्होंने बोला कि अब मेरे पास जब बहुमत नहीं है तो मैं क्या करूंगा जाके, इन्होंने बोला कि अब ये जो लोकसभा है इसको आप भंग कर दीजिए, दोबारा से फ्रेश इलेक्शन करे जाएंगे। इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर,
लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज के। आपने कई जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है एक तरीके से प्रशासक। और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, ये होता है उपराज्यपाल। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा अनिल बैजल से काफी तानातानी चल रही है, तो ये दिल्ली में आपको मिलेगा अनिल बैजल। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जहाँ पे विधानसभा होती है, जिस यूनियन टेरिटरी में विधानसभा होती है वहां पे आपको क्या मिलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा। हमने किस रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होने के बाद भारतीय संविधान में लिबर्टी, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, प्रेसिडेंस इक्वालिटी, ठीक है ये तो गलत वर्ड इसमें है, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी का मतलब समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। तो ये तीन वर्ड हमने कहां से लिए है, तो ये हमने लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। चलिए अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट असेंबली। तो किसी भी स्टेट असेंबली में सबसे मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं और न्यूनतम भी कितने हो सकते हैं, ये भी आपने बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे न्यूनतम जो यहाँ पर है वो 40 होने चाहिए और सबसे मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 500। तो ये है एक तरीके से इसके एमएलए की संख्या इतनी होनी, जैसे कि आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगी यूपी में, ठीक है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, लेकिन आपको 40 से भी कम देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका त्रिपुरा होगा, जैसे कि आपका मिजोरम होगा, यहाँ पे आपको एमएलए की 32 मिलेंगे, तो ये एक्सेप्शन है, ये आपने ध्यान देना। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि वार्नर के तौर पर मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है गाइज। तो यूं ही आपको मिलता रहूंगा, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ, जय हिंद।